ठीक है, हौसला है तो कुछ भी लेके निकल जाओ, पर कम से कम सही होनी चाहिए वो चीज़ें। इसमें तो 20,000 रुपये लगाया है तो भी ये किसी काम का नहीं। 20,000 मेरे पानी में चला गया। हाय दीदी, नमस्ते। मेरे घर ही जा रहे हैं बस। वो आंटी बोल रही शादी वादी कर लो, यहाँ पर प्लॉट ले सकते हो। Hey, so good morning, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेपाल। तो भाई साहब, आज है हमारा नेपाल का तीसरा दिन और आज हम लोग हैं सतवरिया में। तो भाई, क्या हुआ था, आपने जैसे लास्ट वीडियो देखी होगी, क्या हुआ था कि हम लोग रास्ते में जा रहे थे, हमारी बसंती का जो सामान रखने वाला वो टूट गया। तो हम लोग एक अंकल जी के पास रुके, यहाँ वेल्डिंग वाली दुकान है, तो यहाँ पर रुके। तो उनसे हमारी बात होने लगी, बात होते होते हमने बोले कि हम आगे जाके वहाँ पे कैंपिंग कहीं कर लेंगे, ऐसा कोई लोकेशन बताया। तो उन्होंने बोला कि यार, अगर कैंपिंग ही करना है तो आप लोग वहाँ क्यों जाओगे, हमारे यहाँ ही करके बैठ जाओ। तो बाकी यार, अंकल जी का प्यार मुझे बहुत ज़्यादा मिला, सच बताऊँ तो। उन्होंने कैंपिंग भी नहीं करने दिया, आराम से उन्होंने एक मंजा दिया, वहीं पर हम लोग सो गए दोनों भाई। और सुबह सुबह उठते ही ये देखो नज़ारे यार, क्या नज़ारे हैं। नेपाल का प्लेन एरिया है, तो प्लेन एरिया इन द सेंस कि भाई, सिंपल सी बात है, आपको पहाड़, जब हम लोग ईस्टर्न पार्ट से आते हैं नेपाल के, जैसे कि पोखरा हो गया, काठमांडू हो गया, उस साइड में एंटर करते ही पहाड़ है। पर इस साइड में अगर आप लोग इधर बनवासा से एंट्री करते हो, महेंद्र नगर से हो कि अगर आप आगे को आते हो, तो इस साइड में भाई प्लेन एरिया है। और यहाँ पर भी देखो अनाज उगाया जाता है, चावल होता है। क्या क्या अनाज में क्या क्या होता होगा? अच्छा, मक्का और चावल सिर्फ दो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर भाई मक्का और चावल बारिश के सीजन में, ठंडी के सीजन में गेहूं होगा। अच्छा, गेहूं भी होता है, चना होगा। अच्छा, सब कुछ हो जाता है। ओके, तो भाई यहाँ पर भी खेती होती, जो ये प्लेन एरिया है ना, यहाँ पर भी खेती होती है। अभी क्या करने वाले हैं हम यार, थोड़ी सी ना, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। आंटी अभी पूजा करने जा रही हैं। यार बसंती बहुत परेशान कर रही है, समझ में नहीं आ रहा इसको क्या हो गया है, और फिर से ऑन नहीं हो रहे। ये देखो, अभी क्या करेंगे ना, जाके पहले तो इसका प्लग चेंज करवाने वाले हैं। और ये देखो, ये टूट गया था कल, तो इसको भी चेंज करवाया है। तो अभी इसको करते हैं स्टार्ट, सामान रखेंगे फिर निकलेंगे यार। बहुत दर्द है भाई, सही कहते हैं, लंबे सफ़र के लिए ऐसे टुटपुंजियों का प्रयोग ना किया जाए, पर अपने को तो नेपाल घूमने से मतलब है भाई साहब। सुबह सुबह ही बसंती काम करना बंद कर दी, तभी भैया को बुलाया गया है। भैया देखो, भाई साहब आज का दिन हमारा सुबह सुबह से ही ख़राब निकल गया, क्योंकि क्या ना कि यार एक्टिवा हमारी हो गई ख़राब, क्योंकि हम तो ऐसा लग रहा था ओवर हो गई, पता नहीं क्या सीन है। रात में तो एकदम सही चल रही थी और सुबह सुबह ओवर हो गई। भैया तेरा दिमाग लगा दिया, क्या करना पड़ेगा भैया, अभी क्या बोल रहे हैं, पता नहीं, ओवर हो गई। लो भाई, हो गई ओवर, समझ में नहीं आ रहा कि अब करे तो क्या करे। मतलब यहाँ पर ना सारा का सारा सामान वामान खिलार के चले गया, हमारा मिस्त्री भी आया था, बुला लिए थे, बट बोल रहा है कंप्रेसर नहीं बन रहा। इसीलिए कहते हैं यार कि चलो ठीक है, हौसला है तो कुछ भी लेके निकल जाओ, पर कम से कम सही होनी चाहिए वो चीज़ें। इसमें तो 20,000 रुपये लगाए तो भी ये किसी काम का नहीं, 20,000 मेरे पानी में चला गया। दिमाग नहीं काम कर रहा है, जवाब दे गई है। चलो अभी देखते हैं क्या होता है, बाकी बनवा के फिर आपसे बात करता हूँ मैं। मेरा दिमाग एकदम काम करना बंद कर दिया है आज के अभी के टाइम में। आधा घंटा हो गया, कोई अता पता नहीं है कब ठीक होगा, दिल दुखी हो जा रहा है यार इसका। तो भाई फाइनली भैया ने बना दिया। तकरीबन 1 घंटा लग गया इसमें, और 1 घंटे के बाद हमारी फिर से बसंती बन के हो गई तैयार। और
सुबह सुबह भाई, अगर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर हम लोग कहीं और होते या फिर बीच रोड में अगर ये बंद हो जाती तो क्या होता हमारा, बहुत बुरा हाल हो जाने वाला। तो भाई फाइनली हमारी धन्नो हो गई ठीक है, थैंक यू सो मच भैया। इधर देखिए, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? महावीर चौधरी। महावीर, महावीर चौधरी, थैंक यू, धन्यवाद भाई। तीन चार बार बंद हुई, ऑन हुई, बंद हुई, ऑन हुई, फाइनली अब ठीक हो गई, डायरेक्ट कर दिया सारा कुछ। अब बसंती को लेके चलेंगे आगे, जाके देखते हैं एक मार्केट है वहाँ पे जाके इसको थोड़ा सही करवाएंगे और फिर प्यूठान के लिए निकल जाएंगे। बाल काफ़ी बड़े हो गए थे यार, मैं तो सोच रहा था ये कटवाने के लिए पर टाइम नहीं मिल रहा था। और बाकी अब देखो कितना सुंदर बना दिया अंकल ने मेरे को। सोचता हूँ कभी कभी यार ऐसे फ्रेश रह लिया करूँ, पर रहा ही नहीं जाता। और अब हम लोग निकलेंगे, अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे प्यूठान के लिए, प्यूठान, प्यूठान के। ठीक है, अरे यार देखना रे बकरी आगे बंदा था यार, ये तो भेड़ जाता है। तेरे सामने क्या क्लाउड चल रहा है यार, इधर देखो आप लोग क्या मस्त नजारे हैं। जैसे ही हम लोग मुड़े ना अपने डेस्टिनेशन के लिए, यहाँ पर पहला पुल आ गया और इसका नाम है गनाहा खोला। अरे वैसे पता है कि एक अच्छी बात क्या होती है, मतलब जब भी ना आप कभी भी किसी पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर आपको जितने भी पुल और जितने भी ब्रिज मिलेंगे उन सभी ब्रिज का एक अलग अलग सा नाम होगा और वो नाम काफ़ी अच्छा, मतलब कह सकते हैं कि उससे ना ज़्यादा हेल्प मिलता है। यहाँ पर भाई एक द्वार आ गया, कह रहा वेलकम टू स्वर्ग द्वार, ये है भाई स्वर्ग का द्वार। हम लोग पहुंच चुके हैं प्यूठान और जहां हमको आना था। आई होप कि आवाज़ आ रही होगी यार, काफ़ी दूर मैंने हेलमेट ऑन कर रखा है और पूरी बारिश में गीले होते होते फाइनली हम लोग पहुंच गए जगह तक। ओह भाई साहब, ये देखो कितने प्यारे गांव हैं यार, गांव में क्या खेत है, ओहो मेरा दिल खुश हो गया एकदम, है ना भाई, मज़ा आ रहा है। तो गाइस फाइनली हम लोग एक लंबे सफ़र के बाद फाइनली पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन यहां से है तकरीबन 100 मीटर लास्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 and 8 and 9 and 10। अब यहां से कौन सा वाला गली है अब ये नहीं पता लगने वाला। मैं पूछूं तो किससे पूछूं, रोड पे कोई दिख भी नहीं रहा है और शॉपकीपर से अंकल से फोन लगा के देखते हैं। तो भाई फाइनली अभी अपन लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, थैंक यू, धन्यवाद, चलो। हाय दीदी, नमस्ते। वो मेरे घर ही जा रहे हैं बस। तो भाई ये पिकअप करने आगे, देखा मैं पता है इसको फोटो दिखाया, मैं क्या ऐसे बोलूंगा तो क्या पता नहीं पता हो। मैंने ना इंस्टाग्राम का मैंने व्हाट्सएप का डीपी ओपन करा, मैंने फिर दिखाया, मैं कहिए यो कितना मैडम मैं अच्छा दिक्कत तो नहीं, हमें काई की दिक्कत। ये लोग ऐसे बोल रहे थे यार, एक्टिव चली जाएगी, मैं कहाँ कहाँ गई तुमको क्या पता। देखो भाई इतना प्यारा जगह है ना ये वाला, इतने प्यारे जगह पे रहते हैं, अगर मेरा मन करता मैं तो एक दो साल रह जाऊँ यहीं पे, अगर मेरे को यहाँ पर प्लॉट वॉट दिलवा दो। वैसे पता है वो आंटी बोल रही शादी वादी कर लो यहाँ पर प्लॉट ले सकते हो। चलो चलो
बता दूं? तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। ये देखो हमारा आ गया घर महल। देखो हमने है क्या तो भाई फाइनली तकरीबन 2 से 2.5 घंटे एक्टिवा चलाने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं उस डेस्टिनेशन पे जहां मुझे पहुंचना था। कैंप उठान। और ये देखो एक मेरा छोटा दोस्त बना। हाय करो। हाय। सो क्यूट। चल जाता है। ये देखो पता है क्या है, मैं ना इनके बुलाने पर आज 250 किलोमीटर मतलब कि 150 किलोमीटर बाइक चला के आया हूँ। तो भाई साहब ये देखो रात में रात का टाइम हो गया है। आप लोगों क्या पता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ। हमारा खाना बन के हो गया तैयार। जीजा जी बनाए हैं आज स्पेशली, तो आज खाना खाएंगे। और अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त।